किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा रेती बंदर पर जो है रेलवे ब्रिज का काम चालू है और इसको लेकर जो है कुछ समय दिया गया है कि जो ये रेती बंदर का इलाका है यहाँ के जो है रोड बंद किए जाएंगे क्योंकि गार्डर जो है इसका काम जो है शुरू होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर जो है ट्रैफिक विभाग के जो इंचार्ज हैं दिलीप पाटिल वो मौजूद हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं कि दरअसल कितने समय तक बंद रहेगा और जो रूट है उसको किस तरह से जो है डाइवर्ट किया गया है, मुंब्रा से गुजरने वाले लोगों को कहाँ कहाँ से जो है गुजरने के लिए जो है इजाज़त दी गई है, कौन से रूट उनको जो है डाइवर्ट किया गया है। सर किस तरह का ये काम रेलवे का शुरू हो रहा है और जो यहाँ पर बंद करने का समय दिया गया है रोड को कौन कौन सा वो समय है और जो डाइवर्टेशन है वो कैसा है? रेलवे प्रशासन का जो गर्डर है इन लोगों ने दो दिन मांगा है हमसे, एक 7 तारीख है और एक 21 तारीख है। 7 तारीख मतलब कल का, मतलब आज रात को 12 बजे से पूरा रोड, मतलब जो मुंब्रा से थाना जाने वाला है पूरा रोड बंद रहेगा। जो मुंब्रा और कोसा के जो लोग हैं उनको कभी थाना जाने का रहेगा तो वो लोग शीलपाटा होके मनपा से तो इटावा होके बॉम्बे थाना आ सकते हैं या फिर उधर ऐरोली से वो लोग बॉम्बे जा सकते हैं। जिनको थाना से मुंब्रा आने का है वो लोग इटावा कलवा इटावा होके मनपा होके शीलपाटा से वो लोग मुंब्रा आ सकते हैं। तो आज रात को 12 बजे से कल रात को 12 बजे तक इतना टाइम ये रोड दोनों रोड बंद रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ आगे समय है बंद? दो ब्लॉक मांगा है उन लोगों ने, एक तो 7 तारीख का है और एक 15 दिन गैप होके 21 तारीख का। तो रेलवे प्रशासन के जो लोग इंजीनियर है वो लोग काम कर रहे, हो सकता है कि ये पहले ही उनका हो जाए 24 घंटे से, लेकिन उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगा है कि 24 घंटे तक ये काम होना मांगता है। पूरा कोशिश करेंगे जल्दी कभी खुल गया तो हम लोग जल्दी रोड खोल देंगे। सर बात सामने ये भी आ रही है कि जो ट्रेन सेवा है वो भी बताया जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि बाधित होगी, तो क्या ये बात सच है? ट्रेन सेवा भी बाधित होगी या ट्रेन चलेगी? मेरे मालूम से ट्रेन सेवा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चालू रहेगी ट्रेन सेवा, चालू रहेगा मेरे मालूम से ट्रेन सेवा को, क्योंकि इसका और ट्रेन सेवा का कोई संबंध नहीं है। ये रोड पे गर्डर डाल रहे हैं, ट्रेन का ट्रैक तो अलग ही है। वो में और इसको लेकर पूरी तैयारी आप लोगों की कैसे, जैसे आज रात 12 बजे से बंद होगा तो फिर नाकाबंदी आप लोगों की किस तरह से रहेगी और किस तरह से जो है पूरा बंदोबस्त यहाँ पर लगाया जाएगा, क्या तैयारियाँ हैं आप लोग? ये जो आज का बंद है इसका तैयारी हम लोग 8-10 दिन से कर रहे हैं। हमारे सीनियर साहब भी, उन्होंने DCP साहब नोटिफिकेशन निकाला है, हमने JNPT या न्यू बॉम्बे के कमिश्नर है, थाना ग्रामीण के, इन लोगों का सब मीटिंग लेके उधर उधर हम लोग रोड जो है हेवी व्हीकल उनको रुकाने का कोशिश कर रहे हैं। JNPT को भी उन लोगों को बताया कि कल संडे के दिन ज़्यादा हेवी ये मत छोड़ो, वैसे भी संडे में थोड़ा लोड कम रहता है हेवी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर ही वो लोग लेट निकले उधर से JNPT से या किधर से ऐसा संडे रात को ही ये खत्म हो जाए। अभी रेलवे प्रशासन के लोगों ने 24 घंटा हमसे मांगा है, अभी टेक्निकल इश्यू कुछ आए तो उसके अलावा तो खत्म हो जाएगा। टेक्निकल समय भी बढ़ सकता है, समय बढ़ सकता है, टेक्निकल इश्यू आए तो वो लोग इंजीनियर जानते हैं, समय बढ़ सकता है कि उसका तैयारी हमको करने का रहेगा। सर ऐसे में अगर ये बंद होगा तो फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि जो थाने का ट्रैफिक है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, वहाँ भी जो है जाम की स्थिति होगी? नहीं नहीं, बंद के टाइम में वो थाने का जो ट्रैफिक है उनको हम लोग ऑलरेडी डाइवर्शन दिया हुआ है ना, कलवा से पारसिक से वो कलवा जाएंगे, कलवा से इटावा जाएंगे, खाली हेवी जो व्हीकल है वो उधर की उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज है उन्होंने जो ये गार्डर है इसको जो है काम को लेकर जानकारी दी है कि जो है रात 12 बजे से जो है ये काम जो है यहाँ पर शुरू होगा और ये रेती बंदर का जो इलाका है ये जो है यहाँ पर पूरा ये रोड दोनों तरफ से जो है बंद कर दिया जाएगा और जो रूट है वो अलग अलग जगह से जो है डाइवर्ट किया गया है कि अलग अलग जगहों से जो है जिनको जाना होगा वो जा सकते हैं। बहरहाल ऐसा भी माना जा रहा था, जो लोगों का कहना था कि क्या ट्रेनें बंद रहेंगी या नहीं, ट्रेनें चालू रहेंगी, एक असमंजस बनी थी, लेकिन ट्रैफिक विभाग के जो इंचार्ज हैं इन्होंने बताया कि ट्रेनों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनें जो हैं वो जिस हिसाब से चल रही हैं उसी हिसाब से ट्रेनें चलती रहेंगी। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।